दुनिया में सिर्फ अच्छे रहने से काम नहीं चलेगा, अगर सस्ते में बिकोगे ना कभी कोई आपकी वैल्यू ही नहीं करेगा। एज अ ह्यूमन अगर हम बात करें, अगर आप किसी के एक इशारे पे अवेलेबल होना तो आपकी कभी कोई कदर ही नहीं करेगा, वो समझेगा आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है और आपके पास हमेशा टाइम होता है उनके लिए। और अगर मैं एज अ प्रोडक्ट बात करूं, अगर कोई प्रोडक्ट चाहे जितना मर्जी बढ़िया हो ले, अगर वो सस्ते दामों पर बिकेगा ना मार्केट में तो लोगों का लगेगा कि यार ये तो बेकार प्रोडक्ट है, शक की नज़र से लोग देखेंगे। ऐसे ही एक हम्बल और अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और वो है ग्लिसरीन, जो इजीली आपको किसी भी दुकान पर मिल जाता है और बहुत सस्ते दामों पर मिल जाता है। तो लोगों को लगता है जैसे ये तो बेकार का प्रोडक्ट है, हमें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही बताऊं, ये एक वंडर प्रोडक्ट है आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए। जितने भी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट आप खरीदते हो ना, उसमें वाटर और फ्रेग्रेंस के अलावा अगर कोई इंग्रेडिएंट यूज होता है तो वो होता है ग्लिसरीन। अब चाहे वो 4,000 रुपए की क्रीम हो, 5,000 रुपए की क्रीम हो, उसमें ग्लिसरीन तो डाला ही जाता है। अब सोचो, जब ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं तो कुछ तो वजह होगी ही, उनके पास तो बहुत से इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत से एक्सपेंसिव चीज़ें हैं जो वो डाल सकते हैं, बट फिर भी वो ग्लिसरीन डालते हैं, ऐसा क्यों? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ग्लिसरीन होता क्या है। ग्लिसरीन जो होता है वो डिराइव की जाती है फैट्स और ऑयल से, कलरलेस और ओडरलेस लिक्विड होता है जो बहुत थिक सा टेक्सचर होता है, बट अमेजिंग ही रहता है आपकी स्किन के लिए। वो एक ह्यूमेक्टेंट होता है जो मॉइस्चर को अट्रैक्ट कर लेता है एयर से और आपकी स्किन में रिटेन करता है, आपकी स्किन में कभी भी वाटर लॉस होने ही नहीं देता। अगर आप सिर्फ ग्लिसरीन को यूज़ करते हो अपनी स्किन पे, कैसे, मैं आज आपको वो बताने वाला हूँ, तो आपको कभी भी एजिंग साइंस की दिक्कत आएगी ही नहीं। आपकी स्किन हमेशा सॉफ्ट, सपल और ग्लोइंग रहेगी, चाहे आपकी स्किन कोई भी कैटेगरी की हो। आज की वीडियो में मैं मेजरली आपके लिए एक स्किन केयर रूटीन लेके आया हूँ विद द गुडनेस ऑफ ग्लिसरीन, एक CTM रूटीन लेकर आया हूँ, जो अगर आपने फॉलो कर लिया ना, आपको आपकी स्किन में एक अमेजिंग चेंज दिखने वाला है। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि देखो स्किन केयर जो है ना वो तो बड़े लोगों की चीज़ है, हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो उन लोगों को मैं गलत प्रूव करने वाला हूँ आज की वीडियो में। मात्र 200 रुपये, शायद उससे भी कम अगर आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करोगे, ये कमर्शियल प्रोडक्ट यूज़ करोगे, तब आपका 200 रुपये का खर्चा होगा। आपका एक महीने का स्किन केयर रूटीन मैं तैयार कराने वाला हूँ और अगर आपने इसको एक महीना फॉलो कर लिया ना, यू विल सी एन अमेजिंग चेंज इन योर स्किन। ये जो CTM रूटीन आपने दिन में 2 बार फॉलो करना है और जितनी भी स्किन की इम्परफेक्शन है, चाहे आपके फेस पे डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन है, डलनेस है, कोई ऐसी शाइन मिसिंग है आपके फेस पे, हमेशा से लगता है फेस मुरझाया हुआ है और लाइफलेस है, ये आपकी स्किन में एक जान ऐड कर देगा, आपकी स्किन में एक शाइन ऐड कर देगा और विंटर के लिए तो रहेगा बिल्कुल ही शानदार। अगर आप भी अपनी स्किन में एक जान ऐड करना चाहते हैं और बिल्ड करना चाहते हैं अपने लिए एक अमेजिंग स्किन केयर रूटीन सस्ते दामों पर, तो अभी के अभी हमारी वीडियो को कर लो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, आगे वीडियो शेयर भी जरूर कर देना, बिकॉज आप अकेले क्यों आनंद लो इस अमेजिंग स्किन केयर रूटीन का, आपके फ्रेंड्स को भी तो मजा आना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो के साथ आगे और आपको बताते हैं कैसे आप क्रिस्टल क्लियर ग्लोइंग स्किन अचीव कर सकते हो विद द गुडनेस ऑफ ग्लिसरीन। हम आज आपके लिए 3-स्टेप रूटीन लेकर आए जो आपने फॉलो करना है दिन में भी और रात में भी, जिसकी शुरुआत होगी स्टेप नंबर 1 के साथ, क्लेंजिंग। अब जितना मर्जी बढ़िया आपका स्किन केयर रूटीन हो रहा है, उसकी शुरुआत तो होगी क्लेंजिंग के साथ ही। अगर आप चाहो आप फेस वॉश भी फॉलो कर सकते हो, वरना मैं आपके लिए जो क्लेंजर रेडी करवाने वाला हूँ ना, वो तो रहने वाला है शानदार विंटर्स के लिए। वैसे मैं आपको ऑनेस्टली कहूँगा ये वाला क्लेंजर जरूर यूज करो, क्योंकि ये क्लेंजर जो है ना, ये बैलेंस बनाकर रखेगा मॉइस्चर का भी और ग्लो का भी। मात्र 2 इंग्रेडिएंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है। एक आपको चाहिए रोज वाटर, जो एक नेचुरल क्लेंजर होता है, नेचुरल टोनर होता है और आपकी स्किन का पीएच बैलेंस हेल्दी रखता है, साथ में उसमें मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज भी होती है। उसको हमने कंबाइन करना है मिल्क के साथ, जो कि आपकी स्किन को लाइटन अप करता है, ब्राइटन अप करता है और साथ में उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड, जो माइल्डली आपकी स्किन में एक्सफोलिएट कर सारी डेड स्किन सेल्स हटा देता है। जब ये 2 इंग्रेडिएंट मिलेंगे ना, एक अमेजिंग मॉइस्चर बर्स्ट आएगा आपके फेस पे। आपने लेना है इक्वल क्वांटिटी में मिल्क और रोज वाटर, एक एक चम्मच ले सकते हो, वो काफी रहता है एक बार की क्लेंजिंग के लिए। आपने दोनों को प्रॉपरली मिक्स किया, कॉटन को आपने डिप किया और अपने फेस पे प्रॉपरली उसको अप्लाई कर लिया। देन आपने इसको थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में मसाज करना है और जो कॉटन आपने डिप किया उसे अच्छे से क्लीन कर लो। जो कॉर्नर्स होते हैं ना नोज के, या जो भी आपके फेस के जो स्पॉट्स हैं जो प्रॉपर क्लेंज नहीं हो पाते, आपका अंडर आई एरिया, आपके फोरहेड, अच्छे से उससे क्लीन करो। देन आप नॉर्मल ल्यूकवॉर्म वाटर से फेस को वॉश ऑफ कर सकते हो। आपका फेस ऐसे शाइन करेगा, ऐसा ग्लो आ जाएगा ना आपके फेस पे, और जब आप अपनी स्किन को टच करोगे आपको लगेगा ड्राइनेस भी नहीं है, जबकि कोई भी कमर्शियल फेस वॉश हम समर्स में या विंटर्स में यूज करते हैं, हल्की फुल्की ड्राइनेस आती ही है, बिकॉज उसके अंदर होता है कोई केमिकल जो आपका नेचुरल ऑयल भी खींच लेता है एक्सेस ऑयल के साथ। बट जो ये नेचुरल आपका क्लेंजर है, ये एक बैलेंस बनाकर रखता है, एक्सेस ऑयल तो खींचता है बट नेचुरल ऑयल आपके फेस पे मेंटेन रखता है, जिससे आपके फेस पे प्रॉपर ग्लो भी आता है, मॉइस्चर भी आता है और आपका फेस प्रॉपरली क्लेंज हो जाता है। नंबर 2, टोनिंग। अब आज मैं आप लोगों के लिए टोनर रेडी नहीं कराऊंगा, बल्कि एक टोनिंग एसेंस रेडी कराऊंगा।
क्योंकि विंटर्स चल रही है तो आपकी स्किन को हमें हाइड्रेशन देना है भर भर कर, पर हमें यह भी ध्यान रखना है ऑयली स्किन वालों का कि आपका फेस ऑयली ना हो। तो ये जो टोनर होगा ये एक बैलेंस बनाकर रखेगा, आपके फेस पे प्रॉपर मॉइस्चर भी देगा और मेक श्योर करेगा एक्स्ट्रा ऑयल को भी खींच ले। हमें मात्र दो इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ने वाली है इस टोनर के लिए। सबसे पहले हमें चाहिए रोज वाटर, जिसके फायदे मैं आपको स्टेप नंबर वन में बहुत अच्छे से बता चुका हूं। शॉर्ट में बोलूं तो रोज वाटर एक बहुत अमेजिंग टोनर होता है जो आपकी स्किन का पीएच बैलेंस हेल्दी रखता है। और पीएच आपका तब डिस्टर्ब होता है जब आप बहुत केमिकल वाले क्लेंजर से अपने फेस को क्लीन कर लेते हो ना, तो रोज वाटर उसको बैलेंस करने का काम करता है ताकि आपकी स्किन रहे हेल्दी। इसके अलावा हमें चाहिए एलोवेरा जेल, जिसकी तो भाई जितनी तारीफ करे कम है, मेरा तो पर्सनल फेवरेट ब्यूटी इंग्रेडिएंट है। बिल्कुल चिपचिपा नहीं होता, बहुत अमेजिंग मॉइस्चर देता है, कोई भी निशान होता है फेस पे उसको प्रॉपरली हटाने का काम करता है, साथ में हमारे डार्क सर्कल्स कम करता है, रिंकल्स और फाइन लाइंस को दूर रखता है। एक मैंडेटरी स्किन केयर प्रोडक्ट है जो आपको अपने रूटीन में ऐड करना ही चाहिए। अब तैयार कराते हैं आपके लिए टोनिंग एसेंस। सबसे पहले ले लो एक ग्लास बोल, उसमें आपने डालना है 4 चम्मच रोज वाटर और 1 चम्मच एलोवेरा जेल। अच्छे से इनको प्रॉपरली मिक्स कर लो। आप चाहो तो इस रेशियो में इस टोनर को ज्यादा क्वांटिटी में प्रिपेयर कर सकते हो और एक स्प्रे बॉटल में फिल कर सकते हो, क्योंकि एलोवेरा जेल मेजरली बनी होती है पानी से, वो प्रॉपरली घुल जाएगी आपके रोज वाटर में। अच्छे से इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को शेक कर लो और अपने फेस पे आपने इसको स्प्रे करना है अच्छे से और डैप डैप कर लेना है अपनी स्किन में। अगर थोड़ा एक्स्ट्रा हो तो उसको कॉटन से वाइप ऑफ कर लो, वैसे आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी स्किन में इजिली अब्सॉर्ब हो जाएगा। फेस पे लगाया, नेक पे लगाया, देन आपने इसको लीव ऑन कर दिया और यहां हमारा स्टेप 2 खत्म हो जाएगा। बट आपके फेस को मिलेगा अमेजिंग मॉइस्चर और आपके पोर्स को भी टाइटन अप करने में ये हेल्प करेगा। एंड लास्टली, सारी गुडनेस को सील करने के लिए हमें जरूरत है मॉइस्चराइजिंग की, जो मैं तैयार कराऊंगा आज के सुपर हीरो इंग्रेडिएंट ग्लिसरीन से। एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा मैं आपको ग्लिसरीन का बताना भूल गया स्टार्टिंग में, ग्लिसरीन कॉलेजन को बूस्ट करने का काम करती है। कॉलेजन एक ऐसी चीज होती है जो हमारी स्किन नेचुरली प्रोड्यूस करती है, बट ड्यू टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन या हमारी बढ़ती उम्र के साथ कॉलेजन प्रोडक्शन हो जाती है कम, जिससे हमारी स्किन बेजान, पतली और लाइफलेस लगने लग जाती है। आपको भी उम्मीद है ये समस्या जरूर आ रही होगी और ये बहुत कॉमन है, बिकॉज गंदी हवा और जो पानी हम लेते हैं वो भी पॉल्यूटेड होता है, तो उस वजह से हमारी स्किन का कॉलेजन ब्रेकडाउन हो जाता है। तो कॉलेजन बूस्ट करने के लिए ग्लिसरीन है बिल्कुल ही नंबर वन, हमारी स्किन टोन को इवन करती है और प्रॉपर मॉइस्चराइज भी करती है। इसके अलावा जो सेकंड इंग्रेडिएंट हमारे को जरूरत पड़ने वाली है वो है रोज वाटर। रोज वाटर हमारे ऑल 3 स्टेप्स में यूज हुआ है। रोज वाटर भी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके स्किन में एक अमेजिंग चेंज दे सकता है। अब जो मैं आपके लिए रेडी कराऊंगा ना, इसकी सबसे स्पेशल बात यह है कि एक फेस सीरम का काम करेगा, फेस मॉइस्चराइजर का काम करेगा और आपके हेयर सीरम का भी काम करेगा। हो गए ना 3 फायदे, आपके बालों को भी बढ़िया रखेगा, फेस को भी बढ़िया रखेगा, आपकी स्किन को एजलेस रखने का काम करेगा, रिंकल्स और फाइन लाइंस ऐसे कोसों दूर रखेगा और आपके फेस पे हमेशा एक शाइन बरकरार रखेगा। आपको चाहिए कि आपको 1 चम्मच चाहिए रोज वाटर और 1 चम्मच चाहिए ग्लिसरीन। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपरली मिक्स कर लो। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप 2 चम्मच रोज वाटर ले सकते हो और 1 चम्मच ग्लिसरीन ले सकते हो, प्रॉपरली बढ़िया ढंग से मिक्स कर लो। अब ये जो आपका सीरम रेडी हुआ, आपने इसको स्मॉल डॉट्स में अपने फेस पे अप्लाई करना है और इसको अपवर्ड डायरेक्शन में और आउटवर्ड स्ट्रोक्स में तब तक मसाज करना है जब तक आपकी स्किन में चला ना जाए। और यहां हमारा स्टेप 3 खत्म हो जाएगा। बट आपकी स्किन में जो चेंज आएगा ना, आप सच में मतलब लिटरली हैरान हो जाओगे कि इतने कम दामों में हमारी स्किन में इतना मेजर चेंज आया है। जो रेटिनॉल, इतने एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हम यूज करते थे, वो ये जादू नहीं दिखा पाए। ये जादू है ग्लिसरीन का, रोज वाटर का और एलोवेरा का, और ये नेचुरल प्रोडक्ट आपकी स्किन में एक अमेजिंग चेंज दे सकते हैं। और अगर आप इसको एज अ हेयर सीरम यूज करने का सोच रहे हो तो आपने हल्के गीले बालों में थोड़ी सी क्वांटिटी अपने हाथ पे रब करनी है और नॉर्मली स्टाइलिंग के लिए इसको यूज कर सकते हो अपने हेयर में, देन आप इसको कोम कर सकते हो। आपके बाल कभी टैंगल नहीं होंगे और टैंगल नहीं होंगे तो ब्रेकेज नहीं होगी। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ग्लिसरीन एक ह्यूमेक्टेंट होता है तो आपकी स्किन के साथ साथ आपके हेयर में भी मॉइस्चर को प्रॉपरली लॉक रखेगा। आज ही लो हमारे साथ ये चैलेंज। मैं हर अपनी वीडियो में बोलता हूं कि कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट का रिजल्ट दिखता है 2 हफ्ते में, पर ये वाला चैलेंज लो हमारे साथ सिर्फ 7 दिनों के लिए। और 7 दिन अगर आपने इसको 2 बार यूज कर लिया ना, दैट इज 14 टाइम्स डे और नाइट, आपकी स्किन लिटरली आप पहचान नहीं पाओगे, आपकी स्किन ऐसे शाइन करेगी। और ये मैजिक है ग्लिसरीन का और नेचुरल इंग्रेडिएंट का, जो आपकी स्किन में एक अमेजिंग डिफरेंस दिखा सकते हैं। मैं दोबारा से वही बात रिपीट करता हूँ, सस्ती चीज़ें भी अच्छी हो सकती हैं, महंगी बुरी नहीं होती, महंगी तो बढ़िया होती ही है पर सस्ती भी बहुत बढ़िया होती है। एक बार कोई ट्राई कर देखो और फिर मुझे नीचे कमेंट कर बताना कि सस्ते प्रोडक्ट्स अच्छे होते भी हैं या नहीं होते। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चाहते हो कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट कर ज़रूर बताना। तब तक हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट रोहित सचदेवा, गुड बाय।